और चीजें, मेघावर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बची है और बहुत ही कम एज में उन्होंने बॉलीवुड में अपना एक मुकाम बनाया है और अभी कुछ दिनों की छुट्टी के लिए वो अंडमान आए हुए हैं। तो हमें ये मौका मिला है कि हम मेघा कौर से मिल सके, उनका इंटरव्यू कर सके और अपने दर्शकों को बता सके कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह इतना छोटा सा आइलैंड से भी जब अगर किसी में हुनर हो तो वो अपनी प्रतिभा का परचम कहीं पर भी लहरा सकते हैं और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मेघा कौर है। तो आइए हम मेघा कौर से बात करते हैं, आप दर्शकों को बताते हैं कि मेघा कौर ने कितने सारे सीरियल्स, वेब सीरीज, म्यूजिक एल्बम्स में काम किया है। हाय मेघा कौर। हेलो मेघा, हम आपसे जानना चाहेंगे आप अंडमान जैसे जगह पे रह करके आपको कब मन में आया कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे अपना करियर बनाना है और आप में ये इंटरेस्ट पहले से ही था? जी मेरे एक्चुअली जब मैं 3 साल की थी तो तब से मुझे ये सब चीज़ों का बहुत शौक था, एक्टिंग का, डांस का। तो मैं जब बचपन में छोटी थी तो मैं रियलिटी शोज देखती थी टीवी में, बुगी बुगी वगैरह ये सब रियलिटी शोज आते थे तो मैं देखती थी हमेशा बैठे बैठे। और मम्मी को मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे एक बार जाना है रियलिटी शो में, यहाँ पे मुझे ऑडिशंस देने हैं। तो फिर मम्मी मुझे देख के सिर्फ हंसती थी। तो मैं मम्मी को देख के मतलब बोलती थी कि मम्मी प्लीज मुझे जाना है, थोड़ा मैं पटाती थी मम्मी को कि चलो ना करके। तो फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि ठीक है देखते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ऑलमोस्ट आधे अपना स्टडीज कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं सबसे पहले 2017 में मैं अंडमान से मुंबई गई डांस प्लस का ऑडिशन देने। अच्छा डांस प्लस, ओके। तो उस पे आपका सिलेक्शन हो गया था? जी एक्चुअली मेरा सिलेक्शन हुआ था इसलिए मैं गई थी। तो मेरा मैंने ऑनलाइन ऑडिशन भेजा था तो मेरा सेलेक्ट हो गया था। तो उसके बाद मैं यहाँ से अंडमान से मुंबई गई, वहाँ पे ऑडिशंस दिए मैंने डांस प्लस 2 के। उसके बाद मैं सेलेक्ट हुई और देन उसके बाद फिर मैं आधे राउंड के बाद मैं निकल गई वहाँ से डांस प्लस से। रीजन एक्चुअली मैं सब कुछ मैं यही की मतलब यहीं से थी बचपन से, आप सबको पता ही। अच्छा सीखा आपने? सीखा मैंने सब इधर से ही था, वहां से मैंने कुछ भी कोर्स नहीं किया था ना वहां से मैंने कुछ ट्रेनिंग ली थी डांस की। तो जो भी था मैं अपना प्रिपेयर करके, मैंने यहीं से अपना प्रिपेयर करके डांस में वहां पे मैंने ऑडिशन दिए थे। ओके तो यस। फिर नेक्स्ट आपको चांस कब मिला? देन उसके बाद मैं निकल गई, उसके बाद मैं अंडमान आई, फिर मैंने अपने स्टडीज कंप्लीट किए। फिर मैंने मम्मी को बोला कि अभी हम मुंबई जाते हैं, वहाँ पे भी प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। तो फिर मैं मुंबई आई तो उसके बाद मैंने आवेश दरबार, सबसे पहले मैं आवेश दरबार के पास गई। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने क्लासेस लिए तो उन्होंने मुझे पर्सनल ट्रेन किया उन्होंने डांसिंग के लिए, डांस प्लस के लिए। उसके बाद में किंग्स यूनाइटेड में मैंने डिप्लोमा कोर्स किया पूरा किंग्स यूनाइटेड इंडिया, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे। तो मैं काफी अच्छा करने इम्प्रूव करने लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने ऑडिशंस देते गई मैं, फिर मैं सेलेक्ट होते गई। उसके बाद फिर मैंने काफी रियलिटी शोज किए डांस प्लस, जर्नी मतलब आपका ऐसे चलता ना, मतलब स्टार्ट होता ही गया चलता गया। तो फिर मैं डांस प्लस, डांस इंडिया डांस, उसके बाद मैंने नंबर 1 ड्रामेबाज भी किया जिसकी मैं 3rd रनर अप थी। क्या बात है जी। तो फिर उसके बाद क्या एज रही होगी आपकी ड्रामेबाज में जब आप 3rd रनर अप रहे? मैं शायद 17 की थी, मैं शायद 17 इयर्स ओल्ड में, 17 या 18 ऐसे कुछ एज में थी, 17 में थी। देन उसके बाद अभी आपका हाल ही में मोरा सैया म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ है और काफी लोगों ने पसंद किया है उसे, उसके बारे में कुछ बताइए। मोरा सैया एक्चुअली मैं काफी ऑडिशंस देती थी एक्टिंग के। फिर मैंने कोर्स किया मुकेश छाबड़ा जी के वहाँ से, जो कि इंडिया के नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर है वो। तो फिर मैंने थिएटर किया, मैंने कोर्सेज किए, फिर मैंने 1 ईयर का कोर्स किया एक्टिंग का, डिप्लोमा किया। उसके बाद मैं काफ़ी प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशंस देने जाती थी, जी म्यूजिक, जी कंपनी से फिर मुझे कॉल आया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि एक म्यूजिक एल्बम है, तो फिर उन्होंने मम्मी से बात की, फिर मम्मी ने मुझे बताया। तो फिर मैं काफी खुश हुई कि चलो अच्छा है मतलब। उसके बाद फिर मैंने लॉकडाउन में मोरा सैया सॉन्ग किया। ये आपका फर्स्ट म्यूजिक एल्बम है? हाँ ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट म्यूजिक एल्बम है, उससे पहले मैंने काफी सीरियल्स वगैरह किए। अच्छा जी। सीरियल्स मैंने कुमकुम भाग्य किया, कुमकुम भाग्य एंड अपना
फेयर फाइल्स, जी टीवी के काफी शोज किए, स्टार भारत के बहुत शोज किए, स्टार प्लस। क्या बात है, जी बहुत बड़ी बात है। अंडमान जैसे जगह से एक बच्ची जाती है और बिना किसी बैकअप के, बिना किसी सपोर्ट के वहाँ पर जाकर के अपना एक पहचान बनाना काबिले तारीफ है। मेगा, आपका मतलब वहाँ पर जाने की बात, वैसे तो सभी कहते हैं कि मुंबई में अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं हो तो आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते जी। और जैसे कि हमें पता है आप, आपकी मॉम ने बहुत स्ट्रगल किया है आपको इस फील्ड यहाँ तक लाने में। सो कितना दिक्कत हुआ आप लोगों को, कितनी परेशानी हुई इस फील्ड में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए? बचपन से मम्मी तो हमेशा मेरे साथ ही थी, हर चीज में मुझे सपोर्ट करती थी, फैमिली से भी मुझे सपोर्ट था हर चीज के लिए, तो कभी ऐसा मना नहीं था कि नहीं डांसिंग नहीं करना, ये नहीं करना, मुझे हमेशा सपोर्ट था बचपन से। बेसिकली होता है ना कि गर्ल्स, हाँ, के गर्ल्स लिए को रहता है, थोड़ा डांस नहीं करना है, नहीं करना जाना नहीं है, राइट। लेकिन मेरे फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं था, सब लोगों ने मुझे मतलब काफी सपोर्ट किया, मेरी मॉम ने, मेरी फैमिली ने। तो जब मैं रियलिटी शो में गई थी तो मेरे सारे फैमिली खुश हो गई थी कि वाओ चलो अच्छा है। लेकिन बावजूद मैं आगे निकल गई थी रियलिटी शो से, बट फिर भी मैंने कोशिश किया, गिव अप नहीं किया। उसके बाद में काफी चीजें करते गई, टीवी एड्स वगैरह मुझे आते गए, मैं टीवी एड्स वगैरह करते गई, रियलिटी शो, सीरियल्स, तो ये सब चलता रहा। तो काफी टाइम के बाद जब मैं मुंबई गई तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत तो आई कि कोई था नहीं हमारा मुंबई में एक्चुअली, कोई रिलेटिव्स या कोई फैमिली नहीं थी जो मतलब हमें सपोर्ट कर सके वहाँ पे। तो मैं और मेरी मम्मी थी, तो काफी धक्के स्टार्टिंग में लगे, स्ट्रगल किया बहुत, रहना खाना पीना, मतलब रहना भी हमारा स्टार्टिंग में जब मैं मुंबई आई तो तब हम पीजी में, एक दो दिन हम पीजी में थे। अच्छा। तो वहाँ पे भी मतलब काफी थोड़ी दिक्कत आई हमें स्टार्टिंग में, एक दो दिन जब फर्स्ट हम मुंबई आए तो मेरा बैग वगैरह भी चोरी हो गया था मुंबई में। तो फिर मतलब बहुत चीजें हुई, ऐसी चीजें बहुत हुई तो काफी। लेकिन धक्के के बाद एक चीज है कि जब तक आपको धक्का ना लगे मुंबई जैसे शहर में, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो लेकिन काफी एक्सपीरियंस मिला, काफी चीजें समझ में आने लगी कि ऐसा होता है। आप अभी काफी एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुके हैं जी, है ना, जो टीवी सीरियल्स के जो सेलिब्रिटीज हैं, तो उनके साथ में आपको काम करने का मौका मिला, वो एक्सपीरियंस कैसे रहा, कैसे मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे रहता है, किस तरह का आपको सपोर्ट किया उन्होंने? एक्चुअली कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे कि मैं किसी टीवी एक्टर के साथ काम कर रही हूँ या कुछ, क्योंकि एक होता है ना कि उनका थोड़ा अपना एक रुतबा, बट जब भी मैं काम करती थी तो इतने मतलब वो इतने काम होते थे, इतने चिल होते थे, तो कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। जब मैं लॉकडाउन में मोरा सैया कर रही थी तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब एक्टर जो अभिषेक निगम थे वो भी बहुत अच्छे थे एंड ही इज अ वेरी गुड एक्टर, तो मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और हर चीज में मुझे सपोर्ट किया उन्होंने कि अगर मुझे ये समझ नहीं आया तो वो ये बता रहे हैं, तो काफी उन्होंने बहुत अच्छा किया म्यूजिक एल्बम में। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट सॉन्ग था जंगली बिल्ली, जो कि आप सबने देखा, तो देन जंगली बिल्ली के बाद उसमें काफी, जंगली बिल्ली में भी मुझे काफी मजा आया, जो मेरा अभी जस्ट रिसेंट म्यूजिक एल्बम है। तो काफी कहाँ पे शूट हुआ आपका ये? एक्चुअली मुंबई में शूट हुआ है ये, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ लोनावला के थोड़े से आगे शूट हुआ है, कासा बेला एरिया है वहाँ पे, तो बहुत फेमस है वो एरिया, हमारा शूट वहाँ पे हुआ है। अभी रिसेंटली आपने बाहर कहीं यूरोप वगैरह कहीं पे आपका शूट कंप्लीट किया, राइट? जी जी, तो यूरोप का शूट अभी जस्ट मैं करके आई हूँ यूरोप का शूट, और वो मे बी इस मंथ के एंड तक रिलीज हो जाए। ये भी म्यूजिक एल्बम है? ये भी म्यूजिक एल्बम है, जो कि मैं यूरोप में शूट करके आई हूँ, तो काफी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे, क्योंकि मैं पहली बार यूरोप गई थी शूट करने, तो मुझे काफी अच्छा लगा वहाँ पर, वहाँ का हर चीज वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब लोगों ने बहुत अच्छा था वहाँ पे, सब लोग ब्यूटीफुल थे वहाँ पे, और क्लाउड वगैरह इतने ब्यूटीफुल थे वहाँ पे, नेचर बहुत अच्छा था, एरिया बहुत अच्छा था, लोकेशन जहाँ हम लोगों ने शूट किया वो सारे लोकेशन इतने प्रीटी थे कि मैं क्या बताऊँ। ओके, और ये जो एल्बम अभी आपका लॉन्च होने वाला है वो भी लव सॉन्ग है, कैसा है? नहीं, ये एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है, जो मेरा लॉकडाउन में मोरा सैया था उससे काफी डिफरेंट है ये म्यूजिक एल्बम,
लेकिन मैं अभी पूरा बताऊंगी नहीं डिटेल में, क्योंकि सस्पेंस रखना चाहिए, थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए, वरना अभी मैं अगर सब कुछ बता दूंगी तो फिर वो सस्पेंस नहीं रहेगा। और अभी आपके काफी सारे म्यूजिक एल्बम्स के बारे में आपने बता दिया, आपने सीरियल्स में काफी सारे काम किए, काफी सारे शोज आपने किए, एड्स आपने किए, मूवीज का क्या है? मूवीज का अभी एक्चुअली कर रहे हैं, चल रहा है चीजें लाइन बाय लाइन, थोड़ा चल रहा है, मतलब मूवी का भी आपका स्टार्ट हो चुका है? नहीं, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है मूवी का, बट अभी म्यूजिक एल्बम के बाद मेरा मेन मोटिव मूवी है, क्योंकि मुझे मूवीज मतलब बचपन से मुझे ये सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट था, तो मूवी मुझे एक्चुअली काफी इंटरेस्ट है मूवीज में, तो अभी आफ्टर म्यूजिक एल्बम के बाद मैं वही पूरा फोकस मेरा मूवी पे है, कि मैं थोड़ा खुद पे वर्कआउट करने के बाद मैं मूवीज पे उतरू, खड़ी उतरू। तो अभी जो आपने ये कोर्सेज कंप्लीट किए हैं एक्टिंग के, जो भी क्लासेस आपने लिए हैं, उससे कितना बेनिफिट हुआ है आपको? उससे काफी बेनिफिट हुआ है, मतलब एक्टिंग कोर्स में ऐसा होता है कि आपको हर चीजें सिखाई जाती है। एक्टिंग तो देखिए आपको कोई सिखा नहीं सकता है, वो आपके अंदर होता है एक्टिंग, तो एक्टिंग के अलावा जो जो जैसे कि आपका वे ऑफ टॉकिंग और एक्सप्रेशंस, इमोशंस बताते हैं कि कट टू कट इमोशंस चेंज करना, तो वहां पे वो सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी एक्टिंग तो देखो, मैं तो जहां तक सोचती हूँ कि एक्टिंग कोई आपको नहीं सिखा सकता, एक्टिंग आपके अंदर खुद होता है। हाँ, कोई अगर सिखा सकते तो आपको इमोशंस बता सकते हैं कि ऐसे कट टू कट, तो ये सब चीजें कुछ चीज है। चलिए मेघा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि इन फ्यूचर आप खूब ग्रो करो, खूब अंडमान का नाम रोशन करें, क्योंकि आप अंडमान की बच्ची हो, तो सभी दर्शकों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मेघा का जो भी नेक्स्ट एल्बम आ रहा है वो सभी देखें, उसको अप्रिशिएट करें, प्रेज करें, और जितना आप प्रेज करोगे मेघा आगे बढ़ेगी। सो बेस्ट विशेस मेघा कौर, थैंक यू सो मच। और फिर आप नेक्स्ट कब अंडमान का ट्रिप आपका कब का है? अभी नेक्स्ट अंडमान का ट्रिप तो अभी मैं जब नेक्स्ट आऊंगी तो कुछ अच्छा करके तभी मैं आऊंगी, उससे पहले तो मैं नहीं आऊंगी अंडमान। ओके, तो आपने ठान रखा है कि बड़ा करने के बाद ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगी अंडमान में, ताकि यहाँ के लोगों को भी प्राउड फील हो कि अब तक भी मतलब लोग बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे पे जितना मैंने किया है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, तो मैं और मेरी मदर मुंबई जाकर इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ मैनेज किया। जब भी मैं वहां पे जाती हूँ, जब भी मैं कहीं रियलिटी शो में या कहीं पे भी बोलती हूँ कि मैं अंडमान से हूँ, तो सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ओ माय गॉड आप अंडमान से हो, तो मतलब वहाँ पे अब तक कोई बच्चा नहीं है यहाँ का अंडमान का, तो जब भी वो लोग सुनते हैं कि अंडमान, तो वो लोग बहुत शॉक हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में है ना, काला पानी है, कैसे लोग होते होंगे, कपड़े पहनते होंगे, कई तरह की बहुत सारी थिंकिंग उनके माइंड में चल रही होती है। चलो, आपको देख करके एटलीस्ट उनका वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो लोग ऑलमोस्ट दिल्ली वगैरह इंडिया के हर जगह से आते हैं, लेकिन कभी अंडमान का नाम नहीं सुना उन लोगों कि अंडमान से भी कोई लोग मतलब आ सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, तो वैसे उनके दिमाग में चल रहा होता है कि वाओ इतनी अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस है, तो इसलिए। और ब्यूटीफुल प्लेस से एक ब्यूटीफुल गर्ल हमारी गई हुई है वहाँ पे, है ना, अपना टैलेंट शो करने के लिए। जी, चलो बेस्ट विशेस मेघा, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू। जैसे कि आपने मेघा से सुना कितना हार्डशिप उसकी मदर ने किया है, एज अ सिंगल मदर एक बच्चे की परवरिश देना और उसे यहाँ तक लाना, इस तरह का प्लेटफॉर्म तक उसे खड़ा करना और सक्सेसफुली वो अपना लाइफ आगे बढ़ाए, पूरा का पूरा श्रेय हम उसकी मदर को देंगे, उनकी कड़ी मेहनत, लगन, और ऑफ कोर्स मेघा टैलेंटेड है, अपने टैलेंट के दम पर ही वो अब तक आगे आई है। तो हम उम्मीद करते हैं आप दर्शकों को ये एपिसोड पसंद आया होगा, और इन फ्यूचर जब भी मेघा कभी अंडमान आती है कुछ बड़ा करके, जैसे कि उन्होंने कहा है, हम जरूर वापस से इनका इंटरव्यू करेंगे और आप दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।